मैं हूं किशोर रजवाणी, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मध्य प्रदेश के बड़वानी में बीजेपी नेता मनोज ठाकरे की हत्या के मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। बीजेपी नेता की हत्या के बाद हो रही सियासी बयानबाजी के बीच कमलनाथ सरकार ने इस हत्याकांड की जांच एसआईटी से करवाने का फैसला किया है। बड़वानी में रविवार को बीजेपी नेता की मनोज ठाकरे की अज्ञात लोगों ने हत्या की थी। बताया जा रहा है कि वो सुबह सैर पर गए थे, लेकिन उनका शव एक खेत में मिला। पिछले चार दिन में दो बीजेपी नेताओं की हत्या के बाद बीजेपी के नेताओं ने कानून व्यवस्था को लेकर कमलनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला है। बड़वानी में बीजेपी नेता की हत्या से अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। इस बीच इस पूरे मामले की जांच एसआईटी करेगी। सरकार ने एसआईटी जांच के लिए कमेटी बना दी है, और अगर हम पिछले चार दिनों में देखें तो दो बीजेपी नेताओं की हत्या हुई है, जिससे अब बीजेपी नेताओं ने कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े किए हैं और कमलनाथ सरकार को घेरा है। हालांकि कमलनाथ सरकार का यह कहना है कि जो बीजेपी के नेता सियासी बयानबाजी कर रहे हैं इस हत्याकांड को लेकर, वो सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर दरअसल सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़वानी में बीजेपी नेता की हत्या के मामले में अब एसआईटी गठित हो गई है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज, एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी, सियासी बयानबाजी तो खूब हो रही है, शुरुआती जांच में क्या बात सामने आई है? शुरुआती जांच में एक बात तो साफ है कि वो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, और प्लानिंग से कुछ ऐसा किया गया है कि ये पता था कि रोज सुबह प्लानिंग से मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, और इसी हिसाब से जो भी हत्यारा है उसने उस हिसाब से सारी प्लानिंग की हुई थी। खुद एसपी, इस जो एसआईटी बनी हुई है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, खुद एसपी जो है बड़वानी की, वो उसकी प्रमुख है, वो उसको देख रही है, और पुलिस का दावा है कि वो जल्दी ही कुछ ऐसे क्लू मिले हैं जिनके आधार पर वो हत्यारे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन बीजेपी से मुद्दा बना चुकी है, और बीजेपी आज भोपाल में मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन करने का भी प्लान कर रही है। जी मनोज, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेंगे, फिलहाल शुक्रिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्विटर के जरिए पीएम मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए लिखा कि देश 100 दिन में उनके अत्याचार और अक्षमता से मुक्त हो जाएगा। पीएम मोदी ने विपक्ष के गठबंधन पर हमला बोलते हुए तंज कसा था कि बंगाल में बीजेपी का एक विधायक है, फिर भी विपक्ष मिलकर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। इसी के जवाब में राहुल गांधी ने ये पलटवार किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि महाराज ये रोना लाखों बेरोजगार युवाओं का, संकट में किसानों का, एससी एसटी और आदिवासियों पर अत्याचारों का, सताए गए अल्पसंख्यकों का, छोटे बर्बाद हो चुके कारोबारियों का है। सभी आपके अत्याचार और आपकी अक्षमता से मुक्ति की गुहार लगा रहे हैं। 100 दिनों में वो सभी मुक्त हो जाएंगे।